नमस्कार। अल्पसंख्यकों का हमेशा भला किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले नंद गोपाल नंदी मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एवं शहर दक्षिण विधानसभा से विधायक नंद गोपाल नंदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की योगी सरकार निरंतर अल्पसंख्यक लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। पत्रकारों से नंद गोपाल नंदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शासन द्वारा COVID-19 महामारी के दृष्टिगत अन्य बोर्डों की भांति परीक्षा वर्ष 2021 की उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद की सेकेंडरी मुंशी मौलवी सीनियर सेकेंडरी आलिम की परीक्षा को निरस्त करते हुए पंजीकृत परीक्षार्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार कक्षा उन्नति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड परीक्षा 2021 में सेकेंडरी कक्षा में 96,213 एवं सीनियर सेकेंडरी कक्षा में 25,919 कुल 122,132 छात्र छात्राओं का परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है। बोर्ड की परीक्षा 2021 में सेकेंडरी कक्षा में 96,213 परीक्षार्थियों का सापेक्ष 95,624 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण कक्षा उन्नति हुए हैं, जो कि 99.38% रिजल्ट है, जिसमें 54,630 छात्र एवं 40,994 छात्राएं हैं। सीनियर सेकेंडरी कक्षा में 25,919 परीक्षार्थियों के सापेक्ष 25,659 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण कक्षा उन्नति हुए हैं, जिसका रिजल्ट 98.99% है, जिसमें 13,734 छात्र एवं 11,925 छात्राएं हैं। वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि वह अपने आगे की पढ़ाई निरंतर जारी रखते हुए आगे भी बेहतर परिणाम हासिल करते हुए अपने परिवार, अपने माता पिता